मेरे चैनल में मैं दीक्षा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बॉडी लोशन घर पर बनाना सिखाने वाली हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि पोल्यूशन की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी त्वचा बदलते रहती है। जैसे सर्दियों में त्वचा बहुत ही रूखी सूखी और बेजान सी लगती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें। भले ही आप कितने भी गोरे हों, पर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और आप जब मेकअप भी करते हो तब भी वो ड्राई पैचेस आपके स्किन पर उभर के नज़र आते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। तो चलिए दोस्तों कि देखते हैं, अगर हम घर पर बॉडी लोशन बनाएंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे चेहरे पर इसका कितना अच्छा फ़ायदा होगा और ये बॉडी लोशन हम घर पर कैसे बना सकते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा लीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाऊँ। तो सबसे पहले लोशन बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी नारियल तेल, बादाम तेल, कोको बटर और विटामिन ई कैप्सूल, इन चार चीज़ों की। तो इस लोशन को बनाने के लिए आपको लेना होगा 2 चम्मच नारियल तेल, 2 चम्मच बादाम तेल, 1 चम्मच कोको बटर और 1 विटामिन ई की कैप्सूल। ये चारों चीज़ें मिक्स करने के बाद आपको एक गरम पैन लेना है जिसमें गरम पानी हो, और इन चारों चीज़ों को आपने जिस भी बर्तन में मिक्स किया है उस बर्तन को आप इस गरम पानी पर तैरने के लिए छोड़ दें। नीचे के बर्तन में गर्म पानी होने की वजह से ऊपर के बर्तन में जो भी मिक्सर आपने रखा है वो धीरे धीरे गर्मी की वजह से पिघलने लगेगा। जैसे ये पिघलने लगता है आपको मिक्स करने में बहुत आसानी होगी, तब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि चारों चीज़ें अपने आप में अच्छे से घुल जाएं, और फिर इसे नीचे उतार कर थोड़ा ठंडा कर दीजिए और कोई भी अच्छे से साफ कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप इस क्रीम को स्टोर करके भी रख सकते हैं, ताकि अगर आपको ठंडी में ज़्यादा क्रीम चाहिए, पूरी बॉडी पर अगर आपको क्रीम लगाना है तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे बॉडी लोशन की तरफ, जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है ग्लिसरीन और दूसरा है गुलाब जल। तो ये बॉडी लोशन बनाना बहुत ही आसान है। आपको इसके लिए लेना है सिर्फ 2 चम्मच ग्लिसरीन और 3 से 4 चम्मच गुलाब जल। अब इन दोनों को मिक्स करके आप इस कंटेनर को किसी भी ठंडी जगह पर रख दीजिए, और जब भी आप इसे यूज़ करना चाहें तब इसे अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद ही अपने बॉडी पर इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव बॉडी लोशन है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे बॉडी लोशन की तरफ, जिसे बनाने के लिए आपको चाहिए बादाम का तेल, ग्लिसरीन, पेट्रोलियम जेली और पानी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको 2 चम्मच बादाम तेल और 3 से 4 चम्मच पानी, इन दोनों चीज़ों को एक बर्तन में डालकर इसे थोड़ा सा गर्म करना है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब आप इसमें 3 से 4 चम्मच पेट्रोलियम जेली डाल दें और उसी में 2 चम्मच ग्लिसरीन भी मिला लीजिए। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद आप गैस को बंद कर सकते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी अच्छे से बॉटल या कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रखें और इसे जब चाहें इस्तेमाल करें। दोस्तों, इन तीनों बॉडी लोशन को बनाना बहुत आसान है। इन्हें यूज़ करने से आपके त्वचा में नमी बनी रहेगी। इन्हें बनाना आसान ही नहीं बल्कि आपके बहुत बजट में भी होगा, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, तो इसे इस्तेमाल करना एकदम सेफ है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इन बॉडी लोशंस को घर पर बनाएंगे और इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और इस बार सर्दी के मौसम में आप बाज़ार से कोई भी बॉडी लोशन की शॉपिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस मौसम में बॉडी लोशन घर पर ही बनाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा लीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।